जीवन से संबद्ध समस्या हो या जगत से संबद्ध, धरती पर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उन समस्याओं के पीछे यूं तो कई कारण विद्यमान हैं, लेकिन उन कारणों में से एक प्रमुख कारण यह है कि आज बोलने वालों की व लिखने वालों की होड़ लगी हुई है। लोग बोलना चाहते ही नहीं, बोलते जा रहे हैं। लोग लिखना चाहते हो ऐसा नहीं, लोग लिखते ही जा रहे हैं। लोग बोलते जा रहे हैं, लोग लिखते जा रहे हैं, लेकिन न उन्हें पता है कि वे क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, न सुनने वालों को पता है कि वे कितने प्रामाणिक रूप में बोल रहे हैं और कितने प्रामाणिक रूप में लिख रहे हैं। लोग ये जानते ही नहीं है कि किसे सुनना चाहिए और किसे पढ़ना चाहिए। परिणाम, लोग भ्रमित होते जा रहे हैं। परिणाम, लोग पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। परिणाम, लोग जीवन जीने की वास्तविक कला सीख नहीं पा रहे हैं। मित्रों, उन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं, लोग के जीवन की दशा क्या है। इससे उन बोलने वालों व लिखने वालों को कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक पावनी परंपरा रही है, ऋषियों की परंपरा, जहाँ केवल ऋषि ही लिखता था व उपदेश किया करता था, और आचार्य ही बोलता था और अपने अंतेवासी शिष्यों के बीच में प्रवचन दिया करता था। आइए आप हम भी उस पावनी परंपरा से जुड़ जाएं। पहले गुरु के अनुशासन में रहकर पढ़ें, सीखें, अपने अनुभव में ज्ञान को उतरने दें, अपने आचरण में परिवर्तन आने दें, तदुपरांत ही हम लिखने व बोलने के लिए तैयार हो जाए। नमस्ते।